बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी नस्ताई फ्रेंड मेरे हजरात जिंदा इमरजेंसी कॉल पे जो आप तशरीफ लाए बहुत ही इमरजेंसी कॉल था तो आप तशरीफ लाए आपका बहुत मशकूर हैं। दो चीज़ों का मैं यहाँ पे आपके सामने बात रखना चाहूँगा। एक तो जो हमारे जो हम लद्दाख यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जो है हमने जो कैंडिडेट पुटअप किया है हाजी जान साहब को, उसकी सपोर्ट में जो है हमारे बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जो है उनकी सपोर्ट में जो है फॉर्म निकाला विड्रा किया, उनका मैं बहुत एक कम मशहूर हूँ। दूसरी बात जो थी कि हमारे पार्टी हाईकमांड की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहे थे कि आप लोग जो है जो उनके ऑफिशियल कैंडिडेट है कांग्रेस के और जो आपके इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट है उनको हिमायत देने की बात थी। तो हम लोग जो है प्रेशराइज कर रहे थे, हमारा ट्वीट भी आ गया और मुझे टेलीफोनिकली जो है वो सारे बातें मुझसे कही गई कि आप जो है इस तरह से करना पड़े उनको हिमायत देना पड़े। फिर हमने कैटेगोरिकली जो है हमारे पार्टी हाईकमांड को मैंने ये कहा है कि हम लोग चूँकि हम इस तरह का एक कैंडिडेट हमने चॉइस किया है और निकाला है उसका हिमायत जो है हमारी तमाम जितनी मसरी तंजीमें हैं और जो भी हमारे कगिल के जो भी यानी पॉलिटिकल पार्टीज है तमाम का जो है सपोर्ट इन्होंने एक्सटेंड किया है हमारी कैंडिडेट को, इसलिए मैंने इनको ये क्लियरली बता दिया है कि हम लोग कभी भी जो है यूनाइटेड जो आपका कैंडिडेट है उनको हम हिमायत नहीं दे सकते क्योंकि इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द लद्दाख रीजन और पीपल ऑफ लद्दाख या पीपल ऑफ कारगिल के स्पेशली जो हम लोग जो है अपने जो कैंडिडेट को जिताने में हत्या में कहा कोशिश करेंगे अगर किसी पार्टी को हमें छोड़ना भी पड़े। तो आज जो है फिर मुझे टेलीफोन आ गया कि आपको जो है इनको हिमायत करें धन्यवाद, क्योंकि पार्टी का पार्टी जो है हम लोग जो कौमी मसला इशू है उस पर जो है हमने पार्टी को कुर्बान किया है। पहले हमारे हाजी हनीफा साहब ने कुर्बान किया कि एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है उसने मुझे इस्तीफा मेरे सामने मेरे पास आ गया। अब हम लोग मास लेवल पे चाहे हमारे वर्कर्स हो चाहे हमारे फंक्शनरीज के जो अहदेदारान हो और हम सब लोग जो है मैं इंक्लूडिंग मी एज एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो है हम लोग जो है इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी से जो है पार्टी की बुनियादी मेम्बरशिप से जो है हम अपने को जो है अलग कर डिस्ट्रे कर रहे हैं। तो मैं यही बातें आपको करना था और इसी के लिए आप लोगों को यहाँ पे दावत दी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही बातें जो आपसे बात करनी थी इट इज़ देयर। न्यू चीज़ हमें हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ड्यूटी हम सबका होगा किसी तरह से हमारे जो यूनाइटेड कैंडिडेट है हाजी हनीफा जान को जो है कामयाब कराना। तो दूसरी बातें जो भी बाद में आ जाएगी क्या करने की जरूरत है इसे आगे कोर्स पे एक्शन क्या होगा वो बाद में होगी। आपके जो यूनानिमसली ज्वाइंटली कैंडिडेट निकाला है कांग्रेस भी समर्थन कर रहे हैं, क्या कांग्रेस भी रिजिग्नेशन कर रहे हैं? नो, हमारे मुझे बताया नहीं गया। ये मेरी पार्टी का अपनी पार्टी का जो हाईकमांड है उनकी तरफ से जो मुझे प्रेशराइज किया है, मुझे बातें आए टेलीफोन करने के लिए आया ट्वीट भी किया आज, तो मुझे इमरजेंसी तौर पर जो है आप लोगों को बुलाना पड़ा और ये बातें जो है आपके सामने रखना। वो मैंने डॉक्टर फारूक साहब को जो है जो है कि जो कॉपी है वो तो भेज दिया, फारूक साहब को मैंने भेज दिया ऑलरेडी ऑलरेडी वो सेंट द कॉपी टू उमर फारूक अब्दुल्ला। तो बाकी हम लोगों ने इसलिए सोचा कि आप इसको जो है थोड़ा सा प्रेस में भी ये बात लाएँ तो बेहतर होगा, इसीलिए मैं आपके सामने क्योंकि कौम जो है हमारे आगे हैं और सब हमारा आज करगिल यूनाइटेड है। तो हम लोग जो पार्टी को हमने उन्हें खैरवाद कहा और कौम के साथ हमें देना है कौम को जो है आगे बढ़ना और हमारे कैंडिडेट किसी जरूरत में जो है हमें करानी हम सब मिल के कोशिश करेंगे जितने भी यहाँ करील के रहने वाले या लद्दाख रीजन की जो जो है हमारे बाशिंदगान हैं उसे मिल के जो है हमारे जो ज्वाइन का कैंडिडेट है उसको कामयाब कराने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। उसमें कौम को हमें तरजीह दी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मास लेवल रेजिग्नेशन आने वाले समय में नहीं। मैंने पहले कहा कि हम लोग जो है अभी जो है हमारा सबका फोकस है सबका अटेंशन जो है वो हमारे यही इसी बात पर किसी तरह से हमारे कैंडिडेट जो है कामयाब हो गए पार्लियामेंट पहुँचाए उसके बाद जो है बाकी कोर्स एक्शन जो बाद में होगा किस तरीके का सिचुएशन है किस तरह से बात आ जाएगी उसी तरह से हम आगे चलेंगे। और दूसरी बात जो है हमारा कोलेशन कांग्रेस के साथ वो चलता जाए उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया फर्क नहीं आया जाए जो हम लोग पार्टी के प्रतिनिधि से या हमारे वर्कर से
उनके हमारे रिजर्वेशन जो है फारूक साहब को मैंने अभी भेज दिया जी। नहीं वो तो वही रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उनका, क्या रहे क्योंकि तंजीम पे प्रेशर आया, अपने तंजीम को जो है इस तरीके से जो आप लोगों को मदद करना चाहिए, जो ज्वाइन करें इनका जो है यानी इंडिया की जो लॉबी के हैं जो ब्लॉक के जो कैंडिडेट है लेके जो है हमारे नगर सदर को चाहे उनको कह रहे हैं उनको मैं सपोर्ट करूँ। तो ये तो मेरे हमारे बस की बात थी क्योंकि हमने ऑलरेडी फैसला लिया है तमाम पार्टियों का जो है यहाँ पे ज्वाइन जो है ये डिसीजन था जिसमें तमाम मसीही तंजीमें हो या बाकी हमारी जो पोलिटिकल पार्टीज हो तो सबका यूनिवर्सली का एक डिसीजन था। तो उसको हम लोग मतलब उसमें जो है हम कर नहीं सकते थे, उसके खिलाफ करेंगे नहीं। और क्योंकि हमने इसमें बात यही मैं पहले भी कह रहा था कि हमने पार्टी को जो है त्याग दे के जो है कौम को जो है हमने आगे लाया।